हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं बालकनी से बाहर देख रही हूँ कि बारिश बंद हुआ कि नहीं। अभी मुंबई में ना पाँच दिन से लगातार बारिश हो रहा है और यहाँ पर आयशा फ्रिज को खोलने की कोशिश कर रही है पर खोल नहीं पा रही है क्योंकि मैं ना फ्रिज लॉक कर दी हूँ, क्योंकि ना अभी ना वो ना फ्रिज खोलकर सारा सामान फेंक देती है, फिर इसके बाद ना जो पानी है ना बर्फ़ के साथ भी वो खेलती है, तो इसीलिए ना मुझे फ्रिज लॉक करना पड़ता है। इतना परेशान करती है कि पूछो मत, अभी बड़ी हो रही है ना इसीलिए। फिर ना मैं ना इसके बाद क्या की, इवनिंग में पूजा सब करने के बाद ना आयशा के लिए थोड़ा सा टिफ़िन बनाए उसके लिए। मैं उसको टिफ़िन में छतुआ देती हूँ शाम को, क्योंकि मॉर्निंग में वो खाती नहीं है। और ये छतुआ है ना जो आलमर्स चूड़ा और दाल, मूंग दाल सब डालकर मैं बनाई हूँ, और मैं इसका ना वीडियो भी अपलोड की हूँ पिछले ये में, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो इसका रेसिपी कैसा होता है। और फिर ना मैं ना दूध वाला आया, फिर दूध आने के बाद ना दूध को गर्म की, थोड़ा सा दूध ना गिर जाता है मेरे से, ये तो हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ। फिर इसके बाद ना मुझे ना चाय पीने का बहुत मन हुआ, तो तभी मैं ना अपने लिए थोड़ा सा चाय बनाई अदरक डालकर, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और ना चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है बारिश के मौसम में। अब जितना भी पियो पर मन नहीं भरता है चाय पीने के लिए, और मैं ना बीच बीच में ना बाहर देखती भी हूँ, अच्छा लगता है। और इसके बाद ना चाय के साथ ना थोड़ा सा नमकीन भी खाई, और ना आप बिलीव भी नहीं करोगे कि ना मैं चाय के साथ कुछ भी दुबा कर खा सकती हूँ। और ना यहाँ पर मैं ना अदरक कूट रही हूँ चाय के लिए, और मुझे ना चाय के साथ ना सब कुछ मैं डुबा कर खा सकती हूँ। आपको हंसी आ रही होगी पर ना मैं ऐसे ही हूँ। और यहाँ पर ना आयशा ना बैठ कर टीवी देख रही है, उसको ना मैं ऐसे ही कुछ भी राइम लगा देती हूँ 1 2 3 ऐसे करके, वो देखकर अभी बोलती भी है, अभी 1 से 10 तक वो बोल भी देती है, तो वो बैठ के उसको मतलब देख देख कर बोलती रहती है। और यहाँ पर मेरा चाय रेडी हो गया है, और इतना अच्छा चाय है, मतलब बहुत अच्छा लगा अदरक कूट कर देने से। फिर इसके बाद ना मैं ना आई शांति से बैठी, और शांति से बैठने के बाद ना थोड़ा सा नमकीन लाई, जैसे कि मैं आपको बोली ना मैं नमकीन के साथ ना चाय दुबा कर खाती हूँ। बहुत ही अजीब लग रहा होगा आप लोगों को पर मैं ऐसे ही हूँ। वैसे भी मुन्नी बाबू बोलते हैं ना, वर्ल्ड के आइटम हो तुम एक ही आइटम हो। मतलब पता नहीं कोई खाता होगा कि नहीं, पर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो समोसा क्या आलू बोंडा के साथ भी खा लेती हूँ डुबा कर। फिर थोड़ी देर में बारिश हुई तो डिनर बनाना था, तो कुछ डिसाइड नहीं कर पाई क्या बनाऊं करके। तभी मुन्नी बाबू बोले कि चाउमीन बना दो, मौसम भी अच्छा है करके, तो मैं चाउमीन बनाई। फर्स्ट नूडल्स को बॉईल कर दी, वैसे भी हम लोग मतलब कभी कभार खाते हैं, तो मौसम अच्छा था तो इसीलिए चाउमीन बना दी। और बहुत ही सिंपल से चाउमीन बनाई सोयाबीन डालकर, आज सोयाबीन डालकर बनाने से अच्छा भी लगता है, बट वो कभी कभार, रोज़ में नहीं डालती हूँ, कभी कैसे डालती हूँ। तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा कांदा दी, और वेजिटेबल में था पत्ता गोभी और बीट और गाजर था, तो ये सब मिलाकर और सोयाबीन डालकर सब चाउमीन बना दी। मसाला भी वही घर का ही यूज़ करती हूँ, जैसे कि धनिया और जीरा और लाल मिर्च, हल्दी नहीं डालती हूँ, कभी कभार हल्दी डाल देती हूँ। यहाँ पर ना मैं ना सोयाबीन को ना अच्छी तरह से क्लीन कर रही थी, पर ना सोयाबीन में ना थोड़ा सा क्या ना वो ना थोड़ा सा ना मिट्टी मिट्टी सा लग रहा था, पत्थर पत्थर सा लग रहा था, अच्छा नहीं था सोयाबीन। और यहाँ पर ना मेरा चाउमीन रेडी हो गया है, पूरा सिंपल जैसा ही है। मतलब ये जो कलर आया है ना, ये कलर नहीं डाली हूँ, ये बीट का कलर है, और इसमें मैं हल्दी बिल्कुल भी नहीं डाली हूँ, और मसाला थोड़ा थोड़ा सा डाली हूँ, ज़्यादा भी नहीं डाली हूँ। सिंपल खाना अच्छा लगता है मम्मी बाबू को, तो इसी टाइप से ही मैं बना देती हूँ और वो खा लेते हैं। और आयशा को भी चाउमीन बहुत ही पसंद है, और यहाँ पर ना मैं और आयशा हम दोनों मिलकर खाते हैं। आयशा को चाउमीन बहुत पसंद है, आप देख सकते हैं बहुत खुशी से खा रही है। सो गाइस, इसी के चलते वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, आपसे फिर दोबारा मिलूँगी एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे। ओके बाय, टेक केयर।